अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ज़बरदस्त रेसिपी है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। बिलीव मी, इस कदर सुपर एंड यमी बनी है और आला है आला, और ये बहुत ही प्रोफेशनल वे में थिक और ये चंक्स के साथ बनी है। बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी नानी अम्मी की स्पेशल रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। हमने लिया है 1 kg ऑलमोस्ट मैंगो। मैंगो आप देख सकते हैं कि साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन ये है अंदर से कच्चा। हम इसको पील ऑफ करेंगे पीलर की मदद से, अच्छे से हम इसके छिलके उतार लेंगे। अगर छिलका बहुत बारीक उतर रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा इसको रफली दूसरी दफ़ा भी एक दफ़ा पीलर को इसके ऊपर चलाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने कट करना है, ये साइज रखना है। हाफ मैंने अभी कट किया, हाफ दोबारा कट करूंगी। तो यहाँ पे हम मैंगो को इस वे में कट कर लेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट जो आपसे शेयर करने हैं, सनफ्लावर सीड 1 tablespoon ले रही हूँ, और सेसम सीड्स यानी तिल 1 tablespoon ले रही हूँ, क्यूमिन सीड 1 tablespoon ले रही हूँ, और सौंफ मैंने 1 tablespoon ली है। इसके साथ ही मैंने धनिया लिया है सूखा, वो मैंने 1 teaspoon लिया है, और 1 teaspoon ही अजवाइन, और 1 teaspoon ही यहाँ पे ब्लैक सीड यानी क्लोंजी इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे मेथरे यानी मेथी दाना नहीं इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो वो भी 1 teaspoon ऐड कर सकते हैं। 2 to 3 tablespoon के अंदर अच्छे से आप इनको मिक्स करें। जब आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बल्कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता गर्म कीजिएगा। सारे मैंगो अच्छे से कट हो गया और इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने 3 spices जस्ट ऐड किए हैं। 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon मैंने टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon सॉल्ट ऐड किया है। स्पाइस इसलिए इसमें तेज़ रखने हैं क्योंकि हमने खट्टी मीठी बनानी है, और इसमें अगर स्पाइस होगा तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। साथ ही हमने कच्चे आम को इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से आपने मिक्स करना है मसाले के अंदर, अच्छे तरीके से ये मिक्स होना चाहिए। और जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है, ताकि हम 1 to 2 minutes के लिए जो इसकी क्लोंजियाँ या लौंजी है उसको हम 1 to 2 minutes के लिए अच्छे से फ्राई कर सकें। तो वक्तन फ़क्तन आप इसमें इस तरह से चम्मच से इसको हिलाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी हैं। इसी दौरान मेरे पास जो तिल थे, सेसम सीड्स थे, 1 tablespoon इस्तेमाल किया है, इसको ऊपर डाल देंगे। उसके साथ ही सनफ्लावर सीड्स 1 tablespoon है, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैंने 200 ग्राम यहाँ पे चीनी ले रही हूँ। अगर चीनी कम हो टेस्ट करने के बाद आप और ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा अगर पसंद है, लेकिन कोशिश कीजिएगा खट्टी और मीठी दोनों होनी चाहिए। अच्छे से हम शुगर को मिक्स करेंगे, ताकि शुगर का जो पानी है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब तक शुगर का पानी नहीं बनेगा आपने इसको कवर नहीं करना अच्छे से, बल्कि मिक्स करना है। व्यूवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इसमें मैंने 1 glass वाटर ऐड कर दिया है इसके साथ ही, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। और ड्यूरिंग पका जब कुकिंग हो रही हो इसकी, उस दौरान हम इसको चेक करेंगे और थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाएंगे इस तरीके से, और इसको मज़ीद हम कवर करके थिक होने का वेट करेंगे, ताकि इसमें जो कच्चा आम है वो भी अच्छे से गल चुका होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थिकनेस किस कदर है, और ये चंक्स के वे में यहाँ पे आपको आम भी नज़र आएगा, और इसके अलावा इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, फ्लेम को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस और इसमें चंक्स हैं। डिश आउट करते हैं, बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटनी है। पम्पिकन सीड्स और सेसम सीड्स यानी तिल को इसके ऊपर स्प्रिंकल करें अच्छे तरीके से, इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा करें। जैम को और मुरब्बे को बाय बाय कह के इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी चटनी आप सबके लिए स्पेशल हम लेके आए हैं। एक दूसरी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। आप ये थिक और कमाल की खट्टी मीठी चटनी इंजॉय करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खूबसूरत कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय।